मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं पाकिस्तान की एक मायनाज शख्सियत, आप अपना एकेडमिक्स में एक मुकाम रखते हैं, प्रोफेसर डॉक्टर तलत नसीर पाशा साहब, आप वाइस चांसलर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज। सर वेलकम टू द शो। स्टार्टिंग विद यू, आपका इस पे आप हमें एक एकेडमिक परस्पेक्टिव और रियलिस्टिक, क्योंकि आप बहुत सी कमेटीज़ के भी मेम्बर हैं, गवर्नमेंट के साथ आपकी इंटरेक्शन रहती है पॉलिसी के ऊपर भी, फिर हम इंडस्ट्री की तरफ आते हैं। जैसे आपने स्टार्ट में कहा ना जी कि ये हमारी जो खुराक है उसमें प्रोटीन है, एनर्जी है, मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, तो ये प्रोटीन के जो बेहतरीन सोर्स हैं वो प्रोटीन ऐसी जो एनिमल प्रोटीन सोर्सेज हैं। क्यों वो बेहतर है? कि उसकी बायोलॉजिकल वैल्यू बेहतर है, अमाइनो एसिड प्रोफाइल उसका बेहतर होता है, उसकी कम क्वांटिटी बेहतर रिजल्ट्स देती है। और ये भी एक है कि हमारी जो डाइट है उसमें मिनिमम जो है 30-40% प्रोटीन होनी चाहिए। सीरियल से भी आप लेते हैं, इस सोर्सेज से भी लेते हैं। और जैसे आपने कहा कि जी बच्चों का सीरियस इशू है, स्टंटिंग हमारी जो इधर है वो अलार्मिंग सिचुएशन है, तो उसमें बच्चों को दूध चाहिए, बच्चों की जो मदर्स हैं उनके लिए अच्छी खुराक चाहिए, और उसमें जैसे आपने बताया एग्स हैं, मीट है, और मीट पोल्ट्री का इसलिए कि ये एक हमारा कमर्शियल एस्पेक्ट है। इसमें जो जेनेटिक इम्प्रूवमेंट ऐसी हुई है कि इसकी ग्रोथ बेहतर है, और इसको हम आगे मल्टीप्लाई करना ज़्यादा बेहतर है वर्सेस अगर हम मटन की बात करें, बीफ की बात करें। और अनफॉर्चुनेटली हमारे सोशल मीडिया पे कुछ ऐसी बातें हैं कि जो जिसका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन वो तो बड़े वीडियोस बड़ी तेज़ी से गर्दिश कर रही हैं। असल में ये सोशल मीडिया पे किसी का कंट्रोल नहीं है, नहीं है वो जो कोई हमने जो बात ख़ास तौर पे जो मैंने बात करनी है वो बात है जो साइंटिफिकली ट्रूथ है। डेफिनेटली उसमें मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मैं एक इंस्टीट्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ,